हेलो, जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी के लिए और मीठी मीठी सी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। और आज से हो रहे नवरात्रे शुरू, तो सबके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो। और कामना करूंगी माता रानी से सबके लिए बहुत मंगलमय हो और हमारे लिए भी हो मंगलमय। और जो है आज जो है नवरात्रि शुरू हो चुकी है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब घर में बहुत मन लग रहा है। माता रानी विराजमान कर ली थी कल, तो आज से जो नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। और कौशिक परिवार की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। और ये दिखा रही हूँ मैं कि ये लाई हूँ मैं अपनी माता रानी के लिए, ये वाला पहनाऊंगी चोला। और ये दिखाऊं, देखो कितना साफ सुथरा सा मांजा है। ये पीताम्बरी से साफ कर लिया है, कौशिक जी से मंजवाया, मेरे हाथ तो काम ना करता। और ये हमारे आम के पत्ते, ये पत्ते बड़े स्पेशल लगे मुझे जो है, ये देखने में बहुत ही मतलब अलग से दिखाई दे रहे हैं। ये तो देसी हैं पत्ते जैसे, मतलब ये ऐसे देखे हैं मैंने पत्ते, लेकिन ऐसे पत्ते तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये देखो कितने सुंदर हैं, ये ना डाली पत्ते की बहुत सुंदर है, प्यारी सी। तो मैं ये वाली डाली लगाऊंगी, बहुत अच्छी लग रही है मुझे देखने में। कल से मैं इसे कल मंगाए थे तो देख ही रही हूँ बार बार से कि बहुत ही प्यारी लग रही है डाली मुझे। और अब बस शुरू कर रही हूँ, थोड़ा सामान फैला हुआ है, अब देखती हूँ व्यवस्था करती हूँ। नवरात्रों की सभी को मंगलमय शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से। आप सभी खुशहाल रहें और आपके लिए सब मंगलमय हो, पूरा वर्ष मंगलमय जाए। हाँ, पूरा वर्ष मंगलमय जाए। ओ, मैं दिखा रही हूँ कि ये जो है ना कितना सफेद, बिल्कुल सफेद चिट्टू कर दिया, बिल्कुल सफेद वाला चिट्टा मांजा है, बिल्कुल मतलब हम अपनी भाषा में चिट्टा बोलते हैं। बिल्कुल सुनहरी होगा। और बत्ती बनाने का कार्य शुरू कर रखा है, बहुत देर में बना कर दें, इतनी रखूं, उतनी रखूं, पतली रखूं, मोटी रखूं। मैंने शुरू में जो है बस बत्ती का ही काम दे दिया इन्हें, कि जो पहले आप बत्ती बनाओ, पूरा टाइम बत्ती में ही बर्बाद कर दें मैं। फंस गई। और मैं दिखा दूं ना कि मैं इतनी सारी चुन्नी लेके आई हूँ, पूरी एक दर्जन भर, बहुत सारी। क्योंकि मेरे को ना जरूरत पड़ती रहती है चुन्नियों की, तो बार बार एक एक चुन्नी लेने के लिए भागती रहती हूँ। तो मैं पूरी दर्जन की दर्जन चुन्नी उठा कर ले आई हूँ ना, पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ मैं, कलश वगैरह लगाने की। ये सब मैंने भगवान जी को कपड़े पहना दिए, अब कलश जमाऊंगी। सबसे पहले तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। हाँ, चावल रख के और मैं कलश स्थापित कर दूंगी। क्या जेगड़, यानी कि मैं जेगड़ बोलती हूँ ना, ये हाथ लगाओ। पहले तरफ रखू ना। बड़े पत्ते पर पूरा करो, छोटे पर करो। वो बड़ा पत्ता पर है ना, दूसरी तरफ इधर करो बड़े पत्ते को। ऐसे ऐसे अच्छा लग रहा है। और थोड़े यहाँ पे रख दिया है चावल का, तो मैंने कलश स्थापित कर दिया। और बाकी अब जो है जोत जलाएंगे, ये बनाइए जोत और चमाचम चमकाइए जोत। मेरी माँ मुझे दे। और यहाँ भगवान जी को पुष्प चढ़ा जा रहे हैं, पीले पीले फूल चढ़ा दिए हैं, पीले चढ़ा चुके हैं, पिंक चढ़ा दिए, अब जो है गुलाब चढ़ा, गुलाब चढ़ा है, गुलाब फूल भी है। आ, तुम्हारे वाला कहाँ आया भाई? इनको भी। और ये हो गया ना, बढ़िया। भाई इतने ज्यादा से फूल ना हो, मेरा काम ना चलता, मन ही ना अच्छा होता। मुझे ज्यादा फूल चाहिए। इसलिए मैंने डबल डबल फूल चढ़ा है। आओ हाथ लगाओ, घी तो जमने लग रहा। बोल ज्वाला की जय, बोल जयकारा सेरा वालिका, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी जय, जयकारा सेरा वालिका, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल ज्वाला मैया की जय। मैं मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और हमारे जो है जो मैंने ना अपने इस पे विश्वास सिख निकाला, कितना अच्छा लग रहा है, हवन कुंड है ना, जोत जो है वो प्रज्वलित हो चुकी है। ज्वाला मैया की जय। और अब पूजा करेंगे। दोस्तों आ जाइए, बहुत मजा आता है, साथ में पूजा करेंगे सब। जय माता दी। जय माता दी। बोल मेरी सचिया की जय, मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, दरबार की जय, सेवा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय, बोल नगरकोट वाली मैया की जय, बोल वैष्णव मैया की जय, शाकुंभरी मैया की जय, नैना देवी की जय, चिंतपूर्णी की जय, बोल मेरी सचिया जोता वाली माता।
तेरी जय जयकार, दरबार की जय। हाँ तो यहाँ पे बोल रहे हैं नवरात्रि। हाँ तो जो बोल रहे हैं कौशिक जी, मैंने कहा कि चलो आप ही बोलो, मैं हमेशा इन्हीं से बुवाती हूँ। पिछली बार तो अच्छे हो गए थे, अब की बार पता पड़े कैसे होंगे, दिखाऊंगी आपको जैसे भी होंगे। तो यहाँ बन रही है हमारी चाय। पूजा तो मेरी तो हम दोनों की हो गई, बच्चों की भी लाओ रहेगा, आगे पूजा करेगा, क्योंकि आज पहला व्रत तो दोनों बच्चों ने रखा है, मतलब हम सब ने ही रखा है, बच्चों ने भी और मैंने और इन्होंने भी रखा है कौशिक जी ने। तो मैं चाय बना रही हूँ, कौशिक जी हो चुके हैं लेट ऑफिस के लिए, तो फिर उन्हें जल्दी से चाय बना के दे देती हूँ। यहाँ हमारी चाय बन रही है, मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से, और जैसा कि मेरा इंटर्नशिप चल रही है तो और यहाँ पे चाय बन रही है। शिवानी अभी आने वाली है, मैंने उसकी चाय बनाने लिए रख दी है। मेरी मम्मी की यहाँ थोड़ी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। ये बॉइल्ड पोटैटो है और ये पनीर है, इसमें से व्हाइट वाला पनीर, क्या कह रही थी आप? व्हाइट वाला पनीर तो घर का, ये वाले और थोड़ा येलोइश पनीर जो है वो अमूल, ये अमूल का है, क्योंकि गाय के दूध का बना हुआ है तो ये अमूल का पीला ही कलर आता है ना गाय के दूध का, तो वो है अमूल का पनीर। वेट हो रहा था आज अंदर इसकी चाय बना दी थी मैंने इतनी स्लो पे कर रखी है ना कि मुझे लगा जब तक आएगी तब तक तो उबली जाएगी। आ जाओ। हाँ, मैंने सोचा कि शिवानी को भी बुला लेते हैं, है ना, थोड़ा अच्छा सा भी लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि हमें कोई आता है तो मैंने शिवानी को बुला लिया, मैंने कि तेरा भी फास्ट है तो यहीं पे खोल लेना, और अकेली भी क्या ही बनाएगी, तो मैंने कहा चलो यहीं पे फास्ट खोल लेगी, यहीं पे घर पे मिलके मजे करेंगे, मिलके मजे करेंगे। और मैंने ना पहले ही थोड़ा सा काम कर लिया, क्योंकि मेरे को बात करने की आदत है ना, साथ में बातें ठोकती हूँ बहुत मस्ती। मम्मी यहाँ चाय पी रही है, शिवानी बातें कर रही है कि उसका मन अब धीरे धीरे लगने लगा है यहाँ पर। बुला लेते हैं यहीं पे, मैं शिवानी आ जाए जब मन होगा तो आ जाती है, इधर तो मेरा भी मन लग जाता है, मुझे भी कोई चाहिए बातें बनाने के लिए, तो शिवानी अंदर लिए बातें बनाने के लिए, हम दोनों बातें बनाते हैं, मस्त मजा आता है। तो ये अब शाम की खाने की तैयारी चल रही है यहाँ पर, ये आंटी चिप्स के साथ तैयार है चिप्स देखने के लिए। चिप्स भून रही हूँ क्योंकि अभी हमारी जो चिकनाई है ना वो नमकीन ना हुई, अभी पकौड़े वगैरह वो ना हुई तो नमकीन हो जाएगी ना, तो ये चिप्स मेरे फीके हैं, हम दिन में नमक नहीं खाते ना, तो इसलिए मैं पहले भून लेती हूँ ताकि फीके आराम से भून सके, ताकि नमकीन ना हो, नमकीन ना हो। और ये इधर स्वाति फाइनली वीडियो में आ गई, ऐसा कट मत करियो समझ में। ये बना रही है आलू की टिक्की, बस गोले बनाऊंगी और कुछ नहीं करने वाली, बस और कुछ नहीं करेंगे, बाकी सब आंटी करेंगी। हाँ, जितने कॉलेज साइड है ना सारी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मेरे को ना शिवानी के साथ बातें करनी थी, ये मस्त कर ली थी। बच्चों के साथ में बच्चे की तरह बातें करती हूँ और बहुत मजा आता है मुझे बच्चों के साथ बैठ के, मुझे भी बहुत मजा आता है। और अभी ना मैं कुछ गिफ्ट दिखाने वाली हूँ, अभी थोड़ा काम कर लूँ पहले बना लूँ, और गिफ्ट दिखाने वाली हूँ कि उस दिन जो ना बच्चों ने गिफ्ट जो है उसके लिए ना दिए थे, शराब चल रहे हैं ना, हाँ। तो वो अब आए गिफ्ट, सब लोगों ने ऑर्डर कर दिए थे ऑनलाइन, आज फाइनली आ गए। क्योंकि शराब चल रहे थे तो इसलिए उन्होंने भेजे नहीं थे, अब भेजे हैं, चलो मतलब सही टाइम पर आए हैं, शराब खत्म होती है, शराब खत्म होते ही है, अभी दिखाऊंगी क्या गिफ्ट है, चलो फिर हम देखेंगे बनाने के बाद हम लोग गिफ्ट में देखेंगे क्या है। ठीक है स्वाति। हाँ, मेरे बर्थडे की गिफ्ट है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, शिवानी को भी नहीं पता कि क्या भेजा। हाँ, मुझे अब खोल के देखेंगे हम क्या क्या गिफ्ट है, किसने क्या दिया है। चुके हैं चिप्स हमारे पूरे हफ्ते के। हाँ, पूरे अच्छा। हाँ, जब मन होगा खा लो, फिर यही घूम के रख दिए मैंने, ये डब्बे में भर के रख देंगी, जब मन करे खा लो निकाल के, चाय के साथ ले लो, क्योंकि फीके वाले हैं ना इसमें आ गए, इस डब्बे में रखे जाएंगे। आलस आ जाता ना कई बार हमें भूलने में, फिर रोज इतना तो रिफाइंड बार 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 नहीं हो पाना, वो ना पाता, बर्तन के बार धोने के लिए इसमें भर दो, ठंडे तो करो, थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसमें, चलिए कल मैंने मांग लिए थे, कल मैंने इसको साफ कर लिया, मांग के अमूल का मटका दे, ये हवा में उड़ने अमूल का मटका, देवी के सोलह कनागत पितरों के चल मेरी जान जी, बारंबार द्वार पड़े तेरे पूजन हाँ, पूज पूजन तर क्या फल हो भैया भतीजे सब फल हो मदद कर रहे दूसरे की, बिल्कुल मदद कर रहा है, आराम से करना, हाथ में चला लेना, मेरे पैर में दर्द हो गया घुटने में, मेरे को बैठ गई यहाँ और बैठे से लेते हैं, कैसा लग रहा है स्टाइल आंटी का? बहुत बढ़िया, ऐसे खाना बनाना चाहिए, खाना भी और मजे भी आ जाए खाना बनाते हैं। हाँ, ये तो है, दोनों बना लेंगे, हाथ मत टच कर लेना उधर,
ये थोड़ा बन चुकी है, ये रहती है। व्रत के पकौड़े, जिस व्रत है वो आए कि सवाल है? नहीं, व्रत वाले आए, सब लोग नहीं आ सकते। मैंने कभी बिना व्रत के भी पकौड़े तो सभी को अच्छे लगे, व्रत वालों को भी, ये वालों को भी है। अभी मौसम ठंडा भी हो रहा है तो अच्छे लगेंगे। शिवानी बोल रही है, व्रत वाले यहाँ, व्रत वाले यहाँ, बाद में देखेंगे नवरात्रि के बाद जब बुलाएगी सब हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा बन चुका है व्रत की थाली और मेरा भाई लेटा हुआ है आंखों में दवा डाल के, पापा नहा के आ चुके हैं, वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। शिवानी अपने फोन पे लग रही है और मैं यहाँ कमेंट्री कर रही हूँ। मम्मी थोड़ी सी अब बताएंगी अपने व्रत की थाली जो मम्मी ने बहुत मेहनत से बनाई है। नहीं नहीं, मैं कपड़े सुखा के आई हूँ भी ऊपर। तो ये है हमारी व्रत की थाली, तो इस तरीके से आप भी अपने घर में ये थाली बना सकते हैं। व्रत की थाली तैयार है स्पेशल, बिल्कुल ये सबको मिलेगी, ये कोई भी खाओ सब खाओ। बताओ क्या क्या बनाया मम्मी ने? हमसे रात वाले जिसका जिसने सोचा है ना मेन्यू क्या बनाना है, तो वो मैं बता देती हूँ कि ये तो शुरुआत हो रही है मेरी दही से। ये है दही मीठी और ये है खट्टी चटनी मिर्ची वाली, और ये है हमारे चिप्स, ये फीके वाले चबी मम्मी ने भुने हैं। हाँ, ये है हमारी मूंगफली और मखाने, ये है हमारे पनीर के टिक्के, और ये है हमारे आलू के टिक्के, पनीर टिक्का आलू टिक्का। हाँ, और ये हमारे फ्रूट है। तो इस तरीके से ना आप जो है व्रत में थाली तैयार कर सकते हैं। अगर खाने का मन है कुछ और है तो फिर कैसे करेंगे? जिसका कुट्टू खाना है, जिसका कुछ देना चाहोगे? पापा के मुँह में आ रहा है पानी, उनको तो भूख लग रही होगी सुबह से, जैसे मेरे आया था ऊपर से आके। बहुत बढ़िया बनाया है, पानी में नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा पानी, अभी नहीं आ रहा। जब खाने लगेंगे तो बता नहीं पाएंगे। पकौड़े के इतने ज्यादा शौकीन है, पकौड़े देख के इनके मुंह में आ जाता है पानी, लेकिन अभी पूजा करनी है तो थोड़ा संतुलन में रख रखा है इन्होंने, है ना। तो अब आती है स्वाति के गिफ्ट दिखाने की बारी, दिखाओ दिखाओ गिफ्ट। तो अब मम्मी मेरे गिफ्ट दिखा रही, जो मेरे बर्थडे मिले जन्मदिन में, कोई बात नहीं, आपको करता रहेगा, आप दिखाओ। तो मैं इसके गिफ्ट दिखा देती हूँ, जब बोल रहे थे ना कि श्राद्ध चल रहे, तो इसलिए जो है बाद में लाएंगे, तो श्राद्ध खत्म हो गए, पहला नवरात्र है तो गिफ्ट भी आ गए इसके। और ये दिया है, ये पर्स है नवनीत, उसने क्या प्रशांत ने प्रशांत ने दिया है, मम्मी ने उसकी, हाँ मम्मी ने उसकी जो पैकिंग थी वो सब खोल खाल के देख लिया है। मैंने ओपनिंग इसकी, और पहले बिल्कुल उद्घाटन इसका हो गया। ये बहुत अच्छा, ये ग्रीन ग्रीन कलर है, ग्रीन भी नहीं कहेंगे इसको, कुछ और सही कलर बोलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया ये। और ये सब ना ऑनलाइन आए थे, और ये दिखाते हैं, ये आए स्वाति के शूज, ये देखो, हाँ जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, ये आए, ये दिए नवनीत ने, हाँ मेरे बर्थडे गिफ्ट, हाँ अशिवानी का मैं दिखाई चुकी अपने बर्थडे में, अशिवानी ने दिया था उस दिन, तो दिखा दिया था। ये मैं ना संभाल के रखती रहती हूँ ना, पहनती नहीं हूँ तो फिर इसलिए कॉलेज पहन के जाए करिए, संभाल के रखती रहती है, संभाल के रखती रहती है, और पहनेगी भी। और क्या बताऊँ, ये ऑनलाइन आए थे और मैंने जो है इनको खोल लिया पीछे स्वाति से हो गई, और मैंने इनको खोल लिया पहले, देख लिए मैंने एक्साइटमेंट। तो दोस्तों गिफ्ट कैसे लग रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, करके जरूर बताना। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये प्रशांत मार का सब पे मार्क लग रहे हैं। तो मिलते हैं, खाना खाने खाएंगे जब मिलते हैं, अभी पूजा करेंगे पहले, फिर खाना खाएंगे फिर मिलेंगे। यहाँ पर बाहर वाले रूम में बैठ चुके हैं, खाना हमारा ऐसे लगा हुआ है और खा रहे हैं अब हम खाना। वो मम्मी के कपड़े सूख रहे हैं और हमारा खाना ये, क्योंकि बाहर दही भर रखी है, कपड़े डिब्बे में चटनी है और थाल रखा है, सब अपने अपने बर्तन में ले लो और खा लो सेल्फ। बहुत प्यारी आंटी के साथ चॉइस ही अलग है, वो हाइट अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है, उनके वस्त्र जो बने हुए वो भी बहुत सुंदर है। सबकी चॉइस अलग अलग हो रही है। आंटी को फॉलो करना ना भूले, सब्सक्राइब ना करना ना भूले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हाँ, कमेंट कीजिए जरूर करके, बताना कि सब कुछ कैसा लग रहा है। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।
हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू, सेम टू यू।